लोकसभा में कांग्रेस का नेता चुनने के लिए 1 जून को पार्टी में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के अगर माने तो इस बैठक में नेता चुनने के साथ ही किसी सांसद को मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। ये बैठक संसद में केंद्रीय कक्ष में होगी और साथ ही इसमें आगामी सत्र के लिए रणनीति पर भी चर्चाएं होंगी। दरअसल कांग्रेस को इस चुनाव में कुल 52 सीटें हासिल हुई और इसी वजह से एक बार फिर सदन में कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। वह चर्चा ये भी है कि पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी के नेता की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।